पिछले भाग में हमने देखा, एक, कोशिकाओं को ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है, दो, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन का क्या अर्थ है, तीन, किण्वन का क्या अर्थ है, चार, ग्लूकोज के विघटन की प्रक्रिया क्या होती है। ग्लूकोज विघटन में ग्लूकोज दो पायरुविक अम्ल में विभक्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका 2NAD का 2NADH2 में विघटन करती है और कोशिका को इस प्रक्रिया में 2ADP और 2ATP के ऊर्जा परमाणु प्राप्त होते हैं। ATP निर्माण करने वाली इस क्रिया को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ATP तैयार करने की एक और प्रक्रिया है जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में विघटित न्यूक्लियोटाइड NADH2 का पुनः NAD में ऑक्सीकरण होता है। इसे यौगिकों के इलेक्ट्रॉन वहन करने वाली श्रृंखला से ऑक्सीजन तक पहुंचाया जाता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन का वहन करने वाली श्रृंखला का प्रयोग नहीं होता है। हम पायरुविक अम्ल और ऑक्सीकरण के बारे में जानते हैं। ग्लूकोज के विघटन से निर्मित पायरुविक अम्ल का एक और ऑक्सीकरण होता है और CO2 और H2O की निर्मिति होती है। इस ऑक्सीकरण में दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का विघटन होता है, NAD और FAD का NADH2 और FADH2 में। यह प्रक्रिया चक्रिक होती है। इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहते हैं। साइट्रिक अम्ल अर्थात ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल के सहभाग के कारण, जिसमें 3COOH समूह होते हैं, इसे ही क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसे क्रेब नामक वैज्ञानिक ने खोजा है। इसे ही साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। चलिए अब हम ये चक्रीय प्रक्रिया देखते हैं। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पायरुविक अम्ल का एसिटिल COA में परिवर्तन। पायरुविक अम्ल प्लस COA पॉइंट SH प्लस NAD अभिक्रिया होकर एसिटिल CO पॉइंट A प्लस CO2 प्लस NADH2। इस प्रक्रिया में दो कार्बन के यौगिक एसिटिल COA और विघटित न्यूक्लियोटाइड तैयार किए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाने वाली ऑक्सीकरण की प्रक्रिया यह दर्शाती है। एसिटिल CO पॉइंट A की ऑक्सो एसिटेट के साथ प्रक्रिया होती है और 6 कार्बन के यौगिक और साइट्रिक अम्ल बनते हैं। यह पायरुविक अम्ल का एसिटिल COA से साइट्रिक अम्ल की प्रक्रिया के सिलसिले में प्रवेश होता है। चलिए इस चक्रीय अभिक्रिया के 4 मुख्य भागों को समझते हैं। एक, इस चक्रीय अभिक्रिया के अंत में ऑक्सालो एसिटेट का निर्माण होता है जिससे एक नई प्रकार की अभिक्रिया का दौर शुरू हो जाता है जो एसिटिल COA नामक नए अणु के साथ आरंभ होता है। दो, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु निर्माण होते हैं। उनमें से एक तब निर्माण होता है जब साइट्रिक अम्ल अल्फा केटोग्लुटारेट में बदलता है। 5 कार्बन के यौगिक और दूसरा अणु तब निर्माण होता है जब अल्फा केटोग्लुटारेट सिकनील COA में परिवर्तित होता है। दूसरे शब्दों में एसिटिल COA में जो 2 कार्बन होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणुओं के रूप में मुक्त होते हैं। 3, इन 4 अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण हुआ है जिसके कारण 4 अपचयन किए हुए न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त हुए। चलिए समझते हैं कि वे 4 अभिक्रियाएं कौन सी हैं। वे इस प्रकार से हैं। सिटारेट से अल्फा केटो ग्लुटारेट प्राप्त हुआ। अल्फा केटो ग्लुटारेट से सिकनील COA मिला। सिकनेट से फ्यूमाट्रेट और माल्टेट से ऑक्सालो एसिटेट प्राप्त हुआ। 4, इन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दौरान 3 NADH2 और FADH2 के अणु भी निर्माण हुए। अपचयन किए हुए न्यूक्लियोटाइड्स और ग्लूकोज के एक अणु की अभिक्रिया से क्या प्राप्त हुआ, इसे सारांश रूप में देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH2 2 अणु अधिक 2 प्यूरविक अम्ल से एसिटिल COA बनने के दौरान अधिक TCA चक्र के दौरान 6। इस प्रकार एक ग्लूकोज के अणु से हमें कुल मिलाकर 10 NADH2 और 2 FADH2 प्राप्त हुए। अब हम एक ग्लूकोज के अणु से कितने ATP के अणु तैयार होते हैं इसके बारे में जानते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि अणुओं का ऑक्सीकरण होते होते एक NADH2 के अणु से हमें ATP के 3 अणु प्राप्त होते हैं और एक FADH2 के अणु से ATP के 2 अणु मिलते हैं।
हमने इससे पहले देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस अर्थात ग्लूकोज के विघटन में और टीसीए के दौरान जो ऑक्सीकरण होता है, इसके फलस्वरूप हमें ग्लूकोज के अणु से NADH2 के 10 अणु और FADH2 के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कोशिका को इन NADH2 के अणुओं के ऑक्सीकरण से ATP के 30 अणु प्राप्त होते हैं और FADH2 के अणु के ऑक्सीकरण से 4 अणु प्राप्त होते हैं। आपको यह भी याद होगा कि कोशिका को ATP के 2 अणु ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही कोशिका को TCA चक्रीय अभिक्रियाओं के दौरान GTP के 2 अणु प्राप्त होते हैं जो ATP के समान ही होते हैं। इसे निम्न स्तरीय फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। अपचयन किए हुए न्यूक्लियोटाइड के ऑक्सीकरण द्वारा ATP निर्माण की प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। चलिए फिर से एक बार इन बातों को समझते हैं। कोशिका को ग्लूकोज के 1 अणु से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से ATP के 32 अणु प्राप्त होते हैं और निम्न स्तरीय फॉस्फोरिलेशन द्वारा ATP के 4 अणु प्राप्त होते हैं। आइए अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कोशिका किस प्रकार अपचयन किए हुए न्यूक्लियोटाइड से ATP अणु प्राप्त करती है। कोशिका में एक घटक होता है जिसे माइटोकांड्रिया कहा जाता है। इसे कोशिका का शक्ति स्थान अर्थात पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये ATP अणुओं के जरिए कोशिका को शक्ति और ऊर्जा देने का काम करते हैं। माइटोकांड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है आइए समझते हैं। एक माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रियम कहा जाता है। इसमें आंतरिक आवरण, बाह्य आवरण और अव्यूह अर्थात मैट्रिक्स होते हैं। माइटोकांड्रिया के आंतरिक आवरण में जो NADH2 या FADH2 होते हैं, इनका विविध घटकों के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। इस ऑक्सीकरण के समय अपचयन किए हुए न्यूक्लियोटाइड से फ्लावोप्रोटीन के घटकों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लावोप्रोटीन का भी अपचयन किया जाता है। याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं तब उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाते हैं तब उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अपचयन किए गए फ्लावोप्रोटीन्स का अब ऑक्सीकरण होता है और यूबिक्विनोन का अपचयन किया जाता है। जब तक ऑक्सीजन के अंतिम अणु का पानी में अपचयन न हो जाए तब तक पहले ऑक्सीकरण और फिर अपचयन, इस प्रकार ये अभिक्रियाएं एक के बाद एक होती रहती हैं। इस चक्रीय ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं के दौरान एक और कार्य होता है, मैट्रिक्स के प्रोटोन और H+ को आंतरिक आवरण में से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंका जाता है। माइटोकांड्रिया के आंतरिक आवरण और बाह्य आवरण के बीच की जगह को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। यहां पर प्रोटोन की संख्या अधिक है और मैट्रिक्स में कम, अर्थात आंतरिक आवरण के दोनों ओर अधिक मात्रा में प्रोटोन सांद्रता और कम प्रोटोन की सांद्रता के कारण वोल्टेज ग्रेडियंट निर्माण होता है। आंतरिक आवरण में प्रकीर्ण होते हैं जो वास्तव में ADP को ATP में परिवर्तित करते हैं। प्रोटोन पुनः एक बार मैट्रिक्स में जाते हैं क्योंकि उनके लिए आंतरिक आवरण को पार करना संभव नहीं होता है। वोल्टेज ग्रेडियंट के फलस्वरूप जो ऊर्जा निर्माण होती है वो ADP अधिक PI अर्थात अजैविक फॉस्फेट की अभिक्रिया को चालना देती है जिससे ATP तैयार होता है। ये ATP NADH2 की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है, अतः इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। NADH2 के अणुओं के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप वोल्टेज ग्रेडियंट निर्माण होता है जो ATP के अणुओं के संश्लेषण के लिए पर्याप्त होता है। वहीं दूसरी ओर FADH2 के ऑक्सीकरण द्वारा जो वोल्टेज ग्रेडियंट निर्माण होता है वो ATP के 2 अणुओं के लिए पर्याप्त होता है। चुनौती स्वीकारें, ATP संश्लेषण की तुलना जल विद्युत निर्माण केंद्र द्वारा विद्युत निर्माण की प्रक्रिया के साथ करें। Thank you.